Hey guys, what is up? Yeah, this is Kish from the Pratyo guys. मैं आप लोगों के फिर से यूट्यूबर दूसरे सोशल मीडिया के सच से मजे न्यूज तो गाइस आप लोग ये वीडियो कंटेंट जरूर देखना। कि जब बेसिकली आज का जो फर्स्ट न्यूज आता है वो आता है बेसिकली मुंबई का निखिल की तरफ से। मुंबई का निखिल ने रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाला है बहुत ही सीरियस टॉपिक के ऊपर, तो आप लोग वो कुछ सुन सकते हो। काफी टाइम से इंस्टाग्राम पे एक अलग तरीके का स्कैम चल रहा है। कोई तो वेरीफाइड अकाउंट से या फिर इंस्टाग्राम के कोई तो वेरीफाइड अकाउंट से आपको मैसेज आएगा कि आपने कोई कॉपीराइट वायोलेशन किया, क्लिक हियर क्लिक दैट, ये करो वो करो, बिल्कुल मत करना। ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीनशॉट, ऐसा मैसेजेस मुझे बहुत आते हैं वेरीफाइड अकाउंट से। और इसका ये जो अकाउंट है इसका नाम तीसरी बार चेंज हुआ है, पता नहीं इन लोगों को वेरीफिकेशन कहां से मिल जाती है, तो डरना वरना नहीं बिल्कुल भी। इसके अलावा क्या होता है कि इंस्टाग्राम के वेरीफाइड अकाउंट हैक हो जाते हैं। मान लो कि मेरा अकाउंट हैक हो जाएगा और बाद में मेरे अकाउंट से आप लोग में से किसी वेरीफाइड अकाउंट को मैसेज जाएगा, ऐसा मुझे भी हुआ है, तो बिल्कुल रिस्पॉन्ड मत करना, ऐसा बहुत बड़ा चीज है। तो इस नेक्स्ट स्टोरी होता है वो था बेसिकली मिस्टर बीस्ट की तरफ से। मिस्टर बीस्ट एक ट्वीट किया, जैसे आप लोग देख सकते हो, मिस्टर बीस्ट 5% को $10,000 करके डोनेट करने वाले हैं। मतलब क्रिसमस का सेलिब्रेशन है भाई, एक मिस्टर बीस्ट हमारे इंडिया पे भी चाहिए, तो कोई तो यार बन जाओ, हम लोगों को भी यार थोड़ा पैसा वैसा चाहिए तो कर देना ये। तीन जो स्टोरी होता है वो था बेसिकली अमीर सिद्दीक की तरफ से। मतलब मैंने 2 दिन या फिर 1 दिन पहले जो बताया था, अमीर सिद्दीकी एक्सपोज हुआ है, इसलिए आप लोग पता है। अगर आप लोग पता नहीं तो मेरे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो बेसिकली हुआ क्या, अमर सिद्दीकी ने बोला वो फेक है, लेकिन इसके बाद एक चैनल है कैप्टन, आप देखे उसमें एक वीडियो अपलोड किया है, तो उधर ही साहिल अहमद भाई फिर से रिएक्ट किया है इस चीज के ऊपर, तो आप लोग खुद सुन सकते हो एग्जैक्टली क्या कहा। 35 लाख रुपए मांगता है इलीगल ऐप प्रमोट करने के लिए, अभी वो बोल रहा है वो उसका वॉइस ही नहीं है। तो मैं बताना चाहूंगा तेरे को, जब मैं मेल किया था तो मेल किसने रिप्लाई दिया, भूत ने रिप्लाई दिया क्या? तूने ही तो रिप्लाई दिया था ना। तो मैं अभी ऑडियंस को बताना चाहूंगा, तेरा जो मेल था amir@wizmark.com, ये मेल तेरा अभी इंस्टा आईडी पे भी है, तो अभी तू वीडियो पॉज करके इंस्टा आईडी में जाके ये मेल को मान चेंज कर, जैसा है वैसा रहने दे, समझे? तो इस मेल एड्रेस में मैंने मेल किया था, आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो। इधर में मेल करके बोला हमारे क्या एप्लीकेशन है, आपको प्रोमोट करना पड़ेगा, तो उन्होंने मेल बैक किया और बोला ये बात, बोला आप देख सकते हो, पॉज करके आप पढ़ सकते हो। और नीलेश उसका मैनेजर है और उसका जो फोन नंबर है मैंने ब्लर कर दिया प्राइवेसी पॉलिसी की वजह से, और वो ऐप का नाम और ईमेल एड्रेस भी मैंने ब्लर कर दिया प्राइवेसी पॉलिसी के लिए। तो आमिर मैं तेरे को बताना चाहूंगा, तेरा जो ये ईमेल एड्रेस से रिप्लाई आया मेरे को ऐप प्रमोट करने के लिए, ये रिप्लाई किसने दिया, भूत ने दिया क्या? तूने नहीं दिया तो उसके बाद मेरे को नंबर मिला, तो मैंने मैनेजर को फोन घुमाया और मैनेजर कॉन्फ्रेंस में लिया आमिर भाई को, तो आपको बाकी बात पता ही है। तो आमिर यार तू झूठ मत बोल, कम से कम सच बोल, लोगों को चुतिया बनाना बंद। इनवेस नॉलेज स्टोरी तो होता है बेसिकली अमन तथरवाल और फिजिक्स वाला के बीच में, मतलब आने वाला एक बहुत ही बड़ा कोलाब। आप लोग पता है ये दोनों नाम इंडिया की यूट्यूब की जो मतलब है उधर एडुकेशन लेवल पे कितना बड़ा है, तो जो ये स्टूडेंट है उनको लिए तो बहुत ही बड़ा क्या ही बोला, मैं तो स्टूडेंट इतना अच्छा हूँ नहीं। तो गाइस नेक्स्ट स्टोरी तो बोलते हैं बेसिकली हनी सिंह की तरफ। हनी सिंह का भी नया क्रिसमस वाला गाना आ ही चुका है आप, और मेरे को भी पता है आप लोगों ने ऑलरेडी सुनी चुके हो, तो आप लोग मेरे का कमेंट करके बताना कैसे लगा। और उधर ही आप लोग पता है फ्लाइंग विस्ट की फुल फैमिली गया था, तो शायद कुछ तो नहीं आने वाला है, मतलब पता नहीं, कोलाब वोलाब आ सकता है, देखते आते हैं कि नहीं। तो ये इसके ऊपर आप लोग क्या लगता है, आप लोगों मुझे सिंपल सामान करके पता देना। तो ये इतने तक किस वीडियो में, तो अभी आप लोग को मेरी ही वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे सिंपल सामान कर सकते हो। अगर आप अच्छा लगे तो प्लीज डेफिनेटली मेरी इस वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल में तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो हर दिन अपलोड करता रहता हूँ, तो प्लीज गेस कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बंद मत रहो। Oh my God.